आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। जैसे हमने 5.1 लास्ट टाइम देखा था, जहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी, उससे पहले हमारा रिवीजन लेक्चर, मतलब जहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट था, जहाँ पर हम लोग सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स काउंट किए थे, आज उसी से आगे बढ़कर हम लोग 5.2 की ओर आ रहे हैं। और वहाँ पर आपको देखा जाएगा तो 5.2 में आप देखोगे तो आपको सैंपल पॉइंट्स भी लिखने हैं और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिखने हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखना, लिखा हुआ राइट अ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, इट मीन्स नंबर ऑफ एस, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन। हमें तो मालूम है एक कॉइन क्या करना है, टॉस करना है, और साथ ही साथ एक डाई को रोल करना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो सभी को लिखना है आपको पॉसिबिलिटीज में। जैसे मैंने लिखा हुआ है सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस, कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमेशा सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए। तो क्या लिखा, देखो H1 इट मीन्स हेड 1, आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है, हेड पूरा लिखना नहीं है, टेल भी पूरा नहीं लिखना है। H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6 और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करना है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे 12, ठीक है, तो 12 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 digit नंबर्स आर फॉर्म। कितने डिजिट बनाने हैं, 2 digit बनाने हैं, याद रखना 2 digit नंबर बनाना है हमें, सिर्फ दो नंबर्स को लिखना है बराबर से। फॉर्म द यूजिंग डिजिट 2, 3, 5 विदाउट रिपीटिंग, याद रखना विदाउट रिपीटिंग, मतलब नंबर को रिपीट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया 2, 3, 5 दिया है, मतलब 2 को मैं 2 बार कंटिन्यूटी में लिख नहीं सकता, मतलब 22 नहीं आएगा, 33 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, तो सर क्या हो सकते हैं, तो विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स, मतलब क्या होगा 2, 3, 23, 2, 5, 25, 3, 2, 32, 3, 5, 35, 5, 2, 52, 5, 3, 53। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, मतलब आपको सिर्फ काउंटिंग ही करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे 6। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 2, 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखना, द एरो इज रोटेटेड इट स्टॉप्स रैंडमली अ डिस्क, एक डिस्क है उसमें आपको क्या करना है, रोटेट करना है। देखो डिस्क मैंने बनाई हुई है, रोटेट करना है सिर्फ उसको, और जहाँ पर एरो रुक रहा है तो वो एरो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो फाइंड आउट द वन विच कलर इट में स्टॉप, कौन से कलर पे जाके स्टॉप हो रही है। यहाँ पे आप सभी कलर्स देख रहे हैं और डिस्क में रोटेट करूँ ना तो कहीं पर भी जाके रुक सकती है, तो इसी वजह से हमने सभी सैंपल स्पेस में लिखा है। देखो रेड, ऑरेंज, पर्पल, येलो, ब्लू, ग्रीन, सभी कलर्स को लिख दिया, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे 6। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है, 2019 का कैलेंडर है। आप देखोगे इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। 5 का टेबल आना सर इंपॉर्टेंट है, तो 5 का टेबल में देखो लिखा है द डेट्स मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25, 30। सर हमें 5 का टेबल तो पूरा आता है, यहाँ पे 30 तक ही लिखा है। यस बच्चों, यहाँ पे 30 तक इसीलिए लिखा है ना, बिकॉज मंथ ऑफ मार्च है और मार्च मंथ में 31 डेज ही होते, 31 डेज है, इसीलिए मैंने 30 तक ही लिखा है। तो 5th of March को बार है सर, तो आप देखोगे कैलेंडर में तो क्या दिख रहा है, ट्यूजडे। 10th ऑफ मार्च को बार है संडे। 15th ऑफ मार्च को बार है फ्राइडे। 20th ऑफ मार्च को बार है वेनसडे। 25th ऑफ मार्च को बार है मंडे एंड 30th मार्च को बार है सैटरडे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करोगे तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे 6। ठीक है, याद रखना बच्चों आपको मल्टीपल्स ऑफ 5 नहीं लिखने, आपको सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया कि इन मल्टीपल्स ऑफ 5 यहाँ तक ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ रोड सेफ्टी कमेटी ऑफ अ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। देखो उन्होंने हमें बता दिया बॉयज मतलब B1 B2 एंड G1 G2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, 2 marks के लिए आ सकती है बच्चों, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कमेटी ऑफ अ 2 बॉयज, कमेटी ऑफ 2 बॉयज मतलब सिर्फ बॉयज 1 एंड बॉय 2। सिमिलरली कमेटी ऑफ अ 2 गर्ल्स मतलब गर्ल 1 एंड गर्ल 2। उसके बाद क्या बोले बच्चों, कमेटी ऑफ अ 1 boy and 1 girl, 1 boy and 1 girl मतलब B1 G1, मतलब फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल B1 G1, फिर फर्स्ट बॉय सेकेंड गर्ल B1 G2,
फिर बी वन वाला पार्ट हटा दो बच्चों, फिर सेकेंड बॉय पर आएंगे, बॉय टू जी वन मतलब गर्ल वन, बॉय टू एंड सेकेंड गर्ल बी टू जी टू, ठीक है। तो हमारे बॉय वन और गर्ल वन की भी कमेटी बन गई। तो सैम्पल स्पेस में ये सभी को लिखना है, बी वन बी टू जी वन जी टू, बी वन जी वन, बी वन जी टू, बी टू जी वन, बी टू जी टू, सभी को लिखना है, ठीक है। और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स रेडी होंगे 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, याद रखना, ये ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस भी करना।